दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक है किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां वे समाहरणालय स्थित योजना भवन में आयोजित दिशा की बैठक में शरीक हुए। बैठक में केंद्र प्रायोजित विकास की विभिन्न योजनाओं की बारी बारी से उन्होंने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विद्युतीकरण के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर उन्होंने कार्यपालक अभियंता को जमकर फटकारा। बैठक के बाद जब उनसे आजरी के न्योते पर बात की गई, तो उन्होंने बाद में इस पर बात करने की बात कह चलते बने। बैठक थी 24 जनवरी 2017 के बाद अभी माननीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा महोदय के अध्यक्षता में हमारे माननीय सांसद, हमारे तीन विधायक महोदय, एक विधान पार्षद महोदय भी यहाँ माननीय थे और प्रखंडों के प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, साथ ही जिले के महत्वपूर्ण विभागों के जो काम करते हैं, महत्वपूर्ण तो सभी विभाग हैं, मगर आज की बैठक के लिए जो भी मुद्दे थे महत्वपूर्ण वो सभी पदाधिकारी थे। पिछले 24 जनवरी की बैठक का क्या क्या अनुपालन हुआ था उस पर पहले चर्चा हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, पानी, ICDS, इसके अलावा बिजली, ऐसे विभागों की समीक्षा भी कर ली गई। कामों को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया गया। अध्यक्ष महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इसके बारे में अपने विचार रखे और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में समस्या को कैसे सुधारा जाए इस पर ज़्यादा जोर रहा। आरोप प्रत्यारोप ऐसा कुछ उस पर नहीं, बल देते हुए सकारात्मक पहल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समन्वय अगले 6-7 महीनों में विकास कामों को गति दिया जाए, दिसंबर जनवरी तक टारगेट पूरे होने, इस दिशा में यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रही है और इसका अच्छा परिणाम है। किस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिए? यहाँ मानव विकास निर्देशांक के सभी मुद्दे महत्वपूर्ण थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। ICDS, पोषण के लिए जो महत्वपूर्ण है उस पर भी चर्चा हुई। इस तीन पे यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। इसके अलावा बिजली, रोड, पानी, इस पर भी चर्चा हुई। ठीक सर, बैठक में विभिन्न विभागों के बारे में समीक्षा हुई, बिजली के बारे में, रोड के बारे में, आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में। जनप्रतिनिधि सब लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, अधिकारी भी यहाँ थे, सब लोगों ने अपनी समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे कैसे कार्रवाई होगी इसकी जानकारी क्या पाए सर? उसमें कई जगह कुछ और से काम करने की जरूरत, कुछ जगह अधिकारियों की ओर से भी कुछ लापरवाही हुई है, आगे लापरवाही ना हो उसको लगता है कि लोगों ने कुछ किया होगा और आगे और बेहतर तरीके से काम कर पाए। सर, अरे भैया बाद में करेंगे उस पर, क्या राजद में जाने का न्योता स्वीकार करेंगे क्या सर? चलिए, बहुत अच्छी बैठक हुई। इस बैठक में सारे अधिकारी RJD में जाने का स्वीकार करेंगे ना? RJD में स्वीकार कीजिएगा सर, और RJD में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सर।
औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने आल्टो कार पर लगे विदेशी शराब के 174 बोतल को जब्त कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर कुटुम्बा थाना के संटा इलाके में की गई। इस कार्रवाई में दो कारोबारी भी धर दबोचे गए हैं। उत्पाद अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि झारखंड से कार पर लाद कर ये शराब NH 139 के रास्ते औरंगाबाद ले जाकर खपाने की तैयारी थी। उन्होंने कहा कि शराब अधिनियम के तहत इन कारोबारियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज अल्टो गाड़ी से सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग संडा में शराब लेके विदेशी शराब लेके आके दो व्यक्ति आ रहा था, एक कमलेश कुमार सिंह दूसरा मुकेश कुमार। ये दोनों आदमी इस गाड़ी से थे जिस पर 6 कार्टून विदेशी शराब, 6 कार्टून हाफ और जिसमें 144 बोतल और 28 बोतल कुल 172 बोतल पाए गए हैं जो कि 75 लीटर शराब विदेशी। ये मतलब ये दोनों आदमी को अभी गिरफ्तार किया गया है, गाड़ी भी इनका जब्त किया गया है और दोनों आदमी को जेल भेजा जा रहा है। मदनपुर थाना क्षेत्र के रामचरण बेग्रहा गांव में सरपदंश से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि गिरे हुए अपने घर के मलबे को साफ कर वे हटा रहा था कि इसी बीच किसी बिचैले सांप ने उसे काट लिया। बाद में परिजनों ने ओझा गुनी से झाड़ फूक कर उसका इलाज करने की कोशिश की, मगर जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुँचे। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने उसकी जांच की और उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घर में काम लगा हुआ था। अच्छा। मिट्टी का घर बहुत पुराना था, वही टूट रहा था और उसी में मिट्टी हटा रहे थे, बोल रहे थे कि सांप काटा है। इसी दौरान हम लोग यहाँ पे लाए औरंगाबाद और यहाँ डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया। छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। कॉन्सेप्ट कॉमर्स कोचिंग सेंटर सफलता की गारंटी, नामांकन जारी है। संपर्क करें कॉन्सेप्ट कॉमर्स कोचिंग सेंटर मवेशी अस्पताल के नजदीक MG रोड औरंगाबाद। सेवा नियमित करने तथा 22 महीने से लंबित मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर साक्षर भारत मिशन के कर्मियों ने आज रमेश चाक पर CM नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। विरोध जता रहे कर्मियों ने बताया कि 2011 से ही अनुबंध पर सभी कार्यरत हैं। इस बीच सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। थक हार कर उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि सरकार यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो अपने आंदोलन को और भी उग्र करने को सभी कर्मी मजबूर हो जाएंगे। भारत मिशन के कर्मी 2011 से अनुबंध पर बहाल हैं और इनके द्वारा साक्षरता बढ़ाने का काम हो या वोटर बढ़ाने का काम हो या शराबबंदी लागू करने का काम हो, चाहे मानव श्रृंखला लगाने का काम हो, चाहे दहेज मुक्त और बाल विवाह सफल बनाने का काम हो, सारे कामों ने इन्होंने सफलतापूर्वक किया है और बिहार प्रदेश में उनको सम्मानित भी किया है, प्रशंसा पत्र भी किया है। इसके बाद भी अभी तक इनको न नियमित किया है, न मानदेय बढ़ाया है और यहाँ तक कि 22 महीनों से इनका मानदेय बकाया है उसका भी भुगतान नहीं किया है। इसलिए पूरे बिहार के साक्षरता कर्मी बहुत आक्रोशित हैं और उसी दुख में आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है और इसके आगे भी हम लोग रोड जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट जाम करेंगे, सचिवालय जाम करेंगे, सारे जाम करेंगे, तब तक जाम करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती।
जिले के प्रतिष्ठित कॉलेज उद्योग द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय समर कैंप में आज समापन से एक दिन पूर्व बच्चों ने संस्थान के प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्राप्त हुनर का आज शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। बच्चों ने अपने स्केटिंग कला के प्रदर्शन की शुरुआत इंडोर स्टेडियम से की और वहां से चलकर रमेश चौक तक पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी बच्चों की इस कला का भरपूर आनंद उठाया। ऐसा लगा कि इस छोटे से शहर में बड़े बड़े महानगर के बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बच्चे इसी शहर के हैं। स्केटिंग प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के सड़क की एक लेन लगभग एक घंटे तक बंद रखा ताकि आवागमन की वजह से किसी बच्चे को कोई परेशानी न हो। समर कैंप की सफलता से उत्साहित सिटियोग प्रौद्योगिकी संस्थान के सचिव ने बताया कि उनकी सोच औरंगाबाद शहर के बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारना है और ये कोशिश भी है कि यहाँ के बच्चों को भी मुंबई, दिल्ली, मद्रास और कोलकाता जैसे महानगरों के बच्चों के समक्ष खड़ा करना है ताकि जब ये बच्चे कभी इन राज्यों का भ्रमण करें तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ना हो। इस आयोजन में शामिल होकर सभी बच्चे भी काफी प्रसन्नचित हुए और ऐसे आयोजनों को हमेशा कराते रहने की इच्छा प्रकट की। बच्चों ने बताया कि ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी छोटे शहर के समर कैंप में शामिल हुए हैं। इस समर कैंप में हमने खूब मजे करे। यहाँ पे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिली। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी जैसे जूडो, कराटे, स्केटिंग और बहुत सारे स्पोर्ट्स सीखे जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल और भी बहुत कुछ। यहाँ नाइट कैंप में हमने खूब मजे करे। यहाँ पे हमारा अच्छा खासा मनोरंजन हुआ। नाइट कैंप में जादूगर को बुलाया गया था। नाइट कैंप में हमने बहुत सारी चीज़ें खेली। नाइट कैंप में अच्छा अच्छा खाना रखा था। We played badminton, football, basketball, then volleyball and etc. In Aurangabad, nobody knows that skating is a sport also, but wants to tell the students that skating is also a sport that made in Bengal cities like Mumbai, etc. So today we played from day school to Ramesh Shop. We did skating and we learned judo karate also for self-discipline. Then we learned art and craft, painting. We learned many things like a golden cage, like a dahlia and etc. And in painting we learned a new style which is Madhubani painting and it is from Bihar. ये हमारा इसके पीछे मकसद है और हमारी जो सिटी ऑफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर रेणु सिंह हैं और हमारे जो सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सर के से प्रेरणा लेते हुए बच्चों को ये महसूस नहीं हो कि हम दिल्ली मुंबई में नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे कि बच्चे अच्छा लीडरशिप गुण आए, हर एक एक्टिविटी जाने और बच्चे बॉम्बे, दिल्ली और अमेरिका में जाकर ये अफसोस नहीं हो कि हमें कोई भी चीज़ से मैं अछूता हूँ। और औरंगाबाद के बच्चों को मैं पूरे विश्व में देखना चाहता हूँ कि सबसे स्मार्ट बच्चे हों और यही हमारा मेन रीजन है समर कैंप कराने का। सीत योग इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप जो है उसके साथ सीत योग इंटरनेशनल स्कूल हम लोगों ने कायम किया। हम लोगों का सपना है कि केजी टू पीजी, इसलिए ये सपना है कि हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं तो उनकी कमज़ोर होते हैं, तो हम लोगों का टारगेट यही है कि जो शुरू से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के ऊपर आएंगे तो उनका है कि कहीं हम किसी से कम नहीं, जो नारा है सिद्ध जो का वो हम सार्थक करेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग का ये है कि औरंगाबाद में इस तरह के कोई भी आयोजन सर्वप्रथम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एक ड्रीम है कि औरंगाबाद को बिहार और भारत के नक्शे पर इतना ऊंचा कर दें कि हम किसी से कम औरंगाबाद नहीं रहे, ये हम लोग का ड्रीम है। हमारे सचिव ने अभी बताया कि ये हमारे बच्चे कभी महसूस नहीं करें कि हमारे स्कूल में, हमारे औरंगाबाद में क्या क्या सुविधाएं नहीं मिली, इसलिए ये लोगों के बीच में हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि
औरंगाबाद में हम लोग जो शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चे हमारे, गार्जियन हमारे ये कदापि महसूस नहीं करेंगे कि हम बाहर में नहीं पढ़ा रहे हैं। और जब उनका ग्रोथ अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, इट इज़ बट नेचुरल कि औरंगाबाद का नहीं, बिहार का नाम है कि भारत के पैमाने पर हम लोग ऊँचा करना चाहते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।